तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टार्टर के अंदर जो स्टार्ट बटन होता है वो कैसे काम करता है और आप उसकी वायरिंग कैसे कर सकते हैं, ये आप इस वीडियो के अंदर जान सकते हैं। तो यहाँ पे इस बटन के पीछे जहाँ पर आपको ऑन लिखा हुआ मिल रहा है, इसके दोनों साइड में यदि आप वायर लगाते हैं तो आप जब बटन को दबाते हैं तो आपका जो मोटर है उसको धक्का लग के ये जो वायर है वो वापस डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं। बस धक्का लगाने का ये काम करता है। और यहाँ पे आप इस बटन को देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइड में ऑन लिखा है और एक साइड में NC लिखा है। तो यहाँ पे जब मैं वायर को ऑन पे लगाता हूँ और उसके बाद बटन को दबाता हूँ तो यहाँ पे लाइट चालू हो जाती है, उसके बाद जब बटन को छोड़ता हूँ तो लाइट बंद हो जाती है, मतलब ये धक्का देने का काम करता है। और यहाँ पे जो NC लिखा है, NC के दोनों साइड में जब मैं वायर लगाता हूँ तो यहाँ पे लाइट चालू रहती है, परंतु यहाँ पे जब मैं बटन को दबाता हूँ तो यहाँ पे लाइट बंद हो जाती है। उसका मतलब ये कि जब लाइट बंद होती है, मतलब जब हम बटन को दबाते हैं तो उस समय लाइट बंद हो जाती है, मतलब बटन काम करना बंद कर लेता है जब बटन को हम दबाते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी वायरिंग समझ गए होंगे कि जहाँ पे ऑन लिखा है वहाँ पे वायर लगाते तो धक्का दे के छोड़ लेता है, और जहाँ पे NC लिखा है वहाँ पे बटन चालू रहता है, जब आप धक्का लगाते तो बटन बंद हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।